हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष नार और आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं ऑल अबाउट आर सीए मेंटोरिंग प्रोग्राम। तो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग को पता होगा कि वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू वेंचर, दैट इज योर सीए मसीहा। तो एज द नेम सजेस्ट, ये जो वेंचर होगा वो फोकस्ड होगा फॉर हेल्पिंग आर सीए कम्युनिटी, आर सीए स्टूडेंट्स टू क्लियर द एग्जामिनेशन। एंड इसके अंदर जो पहला हमने इनिशिएटिव लॉन्च किया है, दैट इज द सीए मेंटोरिंग प्रोग्राम, जिसे हम कैंप करके बुलाने वाले। तो आज के इस वीडियो में हम एकदम डिटेल में देखने वाले हैं कि क्या क्या सारे ऑफर लेके आने वाले हैं हम अंडर दिस कैंप प्रोग्राम। तो सबसे पहले, ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो किन लोग के लिए अवेलेबल है? तो इट इज अवेलेबल फॉर सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स फॉर ऑल द फोर सब्जेक्ट्स। इट इज आल्सो अवेलेबल फॉर सीए इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, चाहे वो सिंगल ग्रुप हो या बोथ ग्रुप्स हो। इट इज आल्सो अवेलेबल फॉर सीए फाइनल स्टूडेंट्स, चाहे वो सिंगल ग्रुप हो या बोथ ग्रुप्स हो। तो अक्रॉस ऑल लेवल्स, दैट इज सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट एंड सीए फाइनल्स, ये अवेलेबल है। एंड दिस इज एप्लीकेबल एंड दिस इज अवेलेबल ओनली फॉर मे 2022 एंड नवंबर 2022 स्टूडेंट्स एज ऑफ नाउ। मे 2023 और नवंबर 2023 के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो बाद में हम डेफिनेटली लॉन्च करेंगे। उसके बाद बात करते हैं कि भाई ये मेंटरशिप कौन रन करेगा। तो सबसे पहली बात, तो ये जो मेंटरशिप प्रोग्राम है इसको मैं रन करने वाला हूँ। ऑब्वियसली बैक एंड में एक टीम होगी जो सारा लॉजिस्टिक काम देखेगी, बट आई वुड बी द फेस ऑफ दिस मेंटरशिप। सो मेंटरशिप स्टार्ट करने से पहले आपको मेरे बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, बिकॉज आपका मेंटर कौन है ये भी जानना जरूरी होता है। तो सबसे पहले, माय नेम इज़ हर्ष नाहर एंड आई हैव क्लियर्ड ऑल लेवल्स ऑफ द सीए कोर्स इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। तो दिस इज नॉट समथिंग दैट आई वुड लाइक टू बोस्ट, बट ये एक चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए मेरे बारे में। उसके बाद, आई क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन जुलाई 21 विद अ स्कोर ऑफ 506 मार्क्स एंड 5 एग्जामिनेशंस। आई हैव कंप्लीटेड माय 3 इयर्स ऑफ आर्टिकलशिप फ्रॉम केपीएमजी इन द ऑडिट डिपार्टमेंट अंडर द फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर। आई हैव ग्रेजुएट from HR College of Commerce, Mumbai, regular college tha with a CGPA of 9.2. I have cleared my CA intermediate examinations in May 2018 with a score of 490 marks and 4 exemptions. I have cleared my CPT in June 2017 with a score of 165 marks out of 200. 12th mein I had secured 87.85% and 10th mein I had secured 90.8%. So ye meri educational details ho gayi. I don't think isse zyada kuch relevant hoga aapko janna. Uske baad baat karte hain bhai ye mentorship प्रोग्राम क्यों लाया गया है। तो दोस्तों, मैंने मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे पूछा था कि व्हाई डू पीपल फेल इन सीए, एंड वहां पे अप्रोक्सीमेटली 800 लोगों ने इस पोल पे आंसर दिया था, जहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ द लोग ने बोला था कि भाई इम्प्रॉपर प्लानिंग। तो इम्प्रॉपर प्लानिंग 53% लोगों ने बोला था, 21% लोगों ने बोला था लेंथ ऑफ कोर्स, 4% लोगों ने बोला था मोनोटोनस चैप्टर्स, 18% लोगों ने बोला था टू मेनी डिस्ट्रैक्शंस, एंड 4% लोगों ने बोला था बोरिंग कोर्स। तो यहाँ से मुझे आइडिया आया कि वी शुड स्टार्ट अ मेंटरशिप प्रोग्राम विच विल बी अ पर्सनलाइज क्यूरेटेड बेस्ड ऑन योर इनपुट्स चैप्टर वाइज एंड बेस्ड ऑन द टाइम लेफ्ट फॉर प्रिपरेशन। एक स्टडी प्लानर्स हम लेके आएंगे, जहाँ पे हम स्टडी प्लानर को 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहला जो स्टडी प्लानर होगा, विच वुड स्टार्ट फ्रॉम द डे यू एनरोल योरसेल्फ इन अ मेंटरशिप प्रोग्राम टिल द एंड ऑफ योर एग्जाम। सो लेट्स से अगर आज की जो डेट है जनवरी है, अगर आपको एग्जाम मई में, तो जैन से लेके मई तक का आपको एक ब्रॉड प्लान हम आपको बना के देंगे। तो फ्रॉम स्टार्ट टिल एंड ऑफ योर एग्जाम हम एक स्टडी प्लानर बनाएंगे। उसके बाद हम मंथली स्टडी प्लानर्स बनाएंगे कि ये मंथ में आपको ये सारे चैप्टर्स कंप्लीट करने, ये सारे सब्जेक्ट्स के, एंड मंथली स्टडी प्लानर्स को हम ड्रिल डाउन कर देंगे एंड वीकली स्टडी प्लानर्स बनाएंगे कि भाई मंथ में अगर आपको 25 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो वीकली आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने पड़ेंगे एंड कौन कौन से चैप्टर्स आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे। तो इस तरह से हम आपके लिए पर्सनलाइज स्टडी प्लानर्स बनाएंगे, आपके इनपुट्स लेंगे, आपका क्या स्टेटस है प्रिपरेशन का आपसे वो हम पूछेंगे, एंड अकॉर्डिंगली हम आपके लिए प्लान बनाएंगे। एंड हम साथ में डिस्कशन भी करेंगे ये प्लान के ऊपर कि ये प्लान बराबर है कि नहीं, कुछ चेंजेस चाहिए तो वो भी हम करेंगे इस प्लान पे। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन आएगा कि सर, व्हाट इफ वी आर नॉट एबल टू अचीव 100% ऑफ द टारगेट सेट। तो लेट्स से कि कोई पर्टिकुलर मंथ में वी हैव टारगेटेड टू कंप्लीट 25 चैप्टर्स, ठीक है, एंड आप बोल रहे हो कि हमारे 25 चैप्टर्स सर पूरे कंप्लीट नहीं हुए, 20 चैप्टर्स ही कंप्लीट हुए पूरे मंथ में, तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। डोंट वरी, द प्लान वुड बी रिवाइज ऑन अ मंथली बेसिस। तो मंथली बेसिस में हम वो प्लान को रिवाइज करेंगे, एंड दी चैप्टर्स विच आर नॉट कम्प्लीटेड एंड द चैप्टर्स विच आर नॉट कम्प्लीटेड वुड बी कैरीड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट मंथ फॉर कम्प्लीशन। तो इस तरह से हमारी जो प्लानिंग होगी, जो हमारे मंथली प्लानर्स होंगे, उसको हम रिवाइज करते रहेंगे बेसिस कि आपका कितना कम्प्लीट हुआ है और कितना नहीं कम्प्लीट हुआ है। उसके बाद अ डिटेल स्टडी रिपोर्ट वुड ऑल्सो बी शेयर्ड एंड एक्सप्लेन टू यू ओवर कॉल। ईच एंड एवरी चीज आपको बताई जाएगी कि किस तरह से आपको अपने जो स्टडी प्लानर्स है उसको फॉलो करना है, और ये स्टडी प्लानर्स का क्या इंपॉर्टेंस है और क्या मतलब होता है स्टडी प्लानर्स का, किस तरह से हमने स्टडी प्लानर बताया, ये सारी चीजें आपको बताई जाएगी ओवर कॉल का, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा।
उसके बाद और क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है सर आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में? तो सबसे पहले तो भाई यहाँ पे हम आपको गाइडेंस देंगे कि विच नोट्स एंड लेक्चर्स आर टू बी रेफर्ड, उसके बाद सब्जेक्ट वाइज एंड चैप्टर वाइज गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी, आपको 1.5 डेज के प्लानिंग वीडियोस मिलेंगे ड्यूरिंग योर एग्जाम्स, उसके बाद हाउ टू डू टाइम मैनेजमेंट स्टडी फॉर 12+ इसको लेकर आपको गाइडेंस दिया जाएगा, उसके बाद आपको एक डेली डोज ऑफ मोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशनल कोट्स मिलेंगे, मोटिवेशनल वीडियोस आपको डेली बेसिस पे दिए जाएंगे, फिर यहाँ पे आपको इनसाइट्स मिलेगी इनटू आर्टिकलशिप एंड पोस्ट क्वालिफिकेशन अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज आई हैव क्वालिफाइड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट रिसेंटली, तो अब पोस्ट क्वालिफिकेशन के अपॉर्चुनिटीज है, कितना CTC ऑफर किया जा रहा है मार्केट में, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा, आपको मैं इनसाइट्स दूंगा अबाउट माई आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, किस तरह से आप बिग फोर्स में अप्लाई कर सकते हो अगर आपका इंटरमीडिएट एग्जाम्स खत्म हो गया, तो ये सारी चीज़ें भी आपको बताई जाएगी, गाइड की जाएगी। उसके बाद आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया जाएगा, आप जहाँ पे आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, तो व्हाट्सएप नंबर वुड बी शेयर सो दैट यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट विथ मी। उसके बाद जो हमारा प्लान होगा हम लोग उसको कवर करने की ट्राई करेंगे, एटलीस्ट 3 revision + 2 ICI मॉक टेस्ट पेपर्स, तो प्लान वुड इंक्लूड टू कवर मिनिमम ऑफ 3 revision + solving of 2 ICI मॉक टेस्ट पेपर्स। फिर यू कैन ऑल्सो डिस्कस योर पर्सनल प्रॉब्लम्स एंड वी वुड ट्राई टू अराइव एट अ सोल्यूशन कलेक्टिवली, तो अगर आपकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम चल रहे हैं या घर में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं या रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम चल रहे हैं तो आप वो भी डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ, हम उसके ऊपर भी एक सोल्यूशन अराइव करने की कोशिश करेंगे कलेक्टिवली। उसके बाद यहाँ पे आपको मैं एक लॉजिकल अप्रोच दूंगा हाउ टू डील विद दिस मैमथ सिलेबस ऑफ CA कोर्स, तो कोई भी लेवल हो चाहे वो CA फाउंडेशन हो इंटर हो फाइनल हो, हमें पता है कि सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है, तो आपको उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए एक पूरा लॉजिकल अप्रोच आपको बताया जाएगा, प्लस एट द सेम टाइम को बताया जाएगा कि किस तरह से आप नोट्स बना सकते हो, बिकॉज मानो या ना मानो नोट्स इज द ओनली सेवियर इन द CA कोर्स, बिकॉज इतना बड़ा सिलेबस है कि जब तक आप उसको कंपाइल नहीं करोगे तब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे, तो हाउ टू प्रिपेयर नोट्स इसके ऊपर भी आपको गाइडेंस दिया जाएगा। उसके बाद हाउ टू ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर एंड फियर ऑफ अटेम्प्ट, बहुत सारे लोग को फियर ऑफ फेलियर होता है, कोई कोई लोग अटेम्प्ट लग जाते हैं तो उनको पढ़ने का मन नहीं करता है, तो वहां पर हम आपको मोटिवेशन देंगे गाइडेंस देंगे कि आपको किस तरह से उसको ओवरकम कर सकते हो। उसके बाद हाउ टू यूज ऑडियोस फॉर रिविजन, तो यहाँ पे जो रिविजन करना होगा हमें पता है रिविजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप किस तरह से मल्टीपल टाइम रिवाइज कर सकते हो यूजिंग रिविजनरी ऑडियोस, यहाँ पे हम ये भी आपको बताएंगे, एंड किस तरह से आप ऑडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो, किस तरह से आपको ऑडियो को रिकॉर्ड करना चाहिए ताकि आप मल्टीपल टाइम रिवाइज कर पाओ, ये सारी चीजें भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उसके बाद आपको रिविजन टैगिंग शीट्स होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की टैगिंग शीट्स होगी, जहाँ पे आप ट्रैक रख पाओगे कि एक पर्टिकुलर चैप्टर को आपने कितने बार रिवाइज किया, ताकि आपको वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि अगर लेट्स से आपने चैप्टर को 4 बार रिवाइज किया तो आपको पता है कि आपने वो पर्टिकुलर चैप्टर को 4 बार रिवाइज किया, जिससे आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन आएगा एंड आगे रिवाइज करने का और ज्यादा मोटिवेशन मिलता रहेगा। उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की टैगिंग शीट दी जाएगी, जहाँ पे आपको चैप्टर वाइज एक शीट प्रोवाइड की जाएगी, जहाँ पे आप अपने खुद के इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे वहाँ पे आप उसको टैग कर सकते हो, ताकि जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो वही सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप देख के जाओगे एग्जाम से पहले। उसके बाद बात करते हैं कि वी वुड वर्क टूगेदर करंट कलेक्टिवली हेल्प यू क्लियर योर CA examinations एंड मेक योर पेरेंट्स एंड यू फील प्राउड अबाउट इट, ठीक है, तो ये हमारा मोटो होने वाला है अबाउट अ मेंटरशिप प्रोग्राम। तब अगर मैं पूरे मेंटरशिप प्रोग्राम को समराइज करूँ तो इट वुड बी आर प्लान, ठीक है, हम आपको प्लान प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली वो जो प्लान होगा वो पर्सनलाइज होगा, क्यूरेटेड होगा एज पर योर नीड्स योर रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, बट एग्जीक्यूशन होगा वो आपका होगा एंड हम लोग के कलेक्टिव हार्डवर्क से हमें ये जो रिजल्ट है वो मिलेगा, दैट इज पास एंड पास, हमें इस चीज़ से मतलब है, बाकी कोई चीज़ हमारी रिलेवेंट नहीं है। ऑब्वियसली अगर रैंक आया तो दैट वुड बी अ वेरी बिग थिंग, बट हमारा मेजर फोकस होने वाला दैट इज clearing the CA examination. So our plan, your execution and collective hard work will result into this thing that is pass and pass. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे the important thing is sir, ये तो आप प्रोवाइड कर रहे हो तो प्राइसिंग क्या रखने वाले हो? तो ऑब्वियसली दोस्तों ये एक पेड सर्विस होने वाली है, बिकॉज इसको फ्री नहीं रखा जा सकता, बिकॉज क्या होता है ना दोस्तों, अगर इसको हम फ्री रखते ना तो प्लस हमारा टाइम तो जाता ही, दैट इज ओके, बट जो सेकंड थिंग है कि फ्री की चीज़ों को लोग वैल्यू नहीं करते, तो अनलेस एंड अनटिल कोई प्राइस टैग नहीं होगा ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, तो हमने डिसाइड किया कि इसको एकदम हम रीजनेबल कॉस्ट रखेंगे, तो वी हैव डिसाइडेड कि हमारा जो प्राइसिंग होगा दैट वुड बी ₹499 ओनली इंक्लूसिव ऑफ GST, एंड यहाँ पे जो 499 होगा इट वुड बी एप्लीकेबल चाहे आप सिंगल ग्रुप्स ले रहे हो या बोथ ग्रुप्स का मेंटरशिप ले रहे हो, ये 499 का जो प्राइस है वो फिक्स है, ये ना ही कम होने वाला है और ना ही ज़्यादा होने वाला है, 499 का ये प्राइस हमने रखा है फॉर दिस May 2022 एंड November 2022 अटेम्प्ट। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों आपके लिए एक्साइटिंग चीज़ हमने रखी है, बिकॉज आप मेहनत करोगे एंड जब रिजल्ट आएगा तो अगर आप पास होगे तो इन रिटर्न हमारे साइड से आपको क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे हम अभी से आपको कमिटमेंट कर रहे हैं कि इफ़ यू हैव ओनली सिंगल ग्रुप ऑफ मेंटरशिप, ठीक है, अगर आपका सिर्फ एक सिंगल ग्रुप है मेंटरशिप का, चाहे वो इंटर पे हो
फाउंडेशन पे इंटर पे या फाइनल पे हो, फाउंडेशन पे तो कोई ग्रुप होता नहीं, तो लेट्स अगर आपने फाउंडेशन क्लियर कर दिया या फिर इफ यू हैव क्लियर एनी सिंगल ग्रुप ऑफ योर मेंटरशिप एंड यू क्लियर इट इन द रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट, ठीक है, तो आपने अगर एक सिंगल ग्रुप का मेंटरशिप लिया है एंड यू हैव क्लियर इट इन द रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट, देन 50% ऑफ योर फीस वुड बी रिफंडेड बैक टू यू. तो 500 रुपीज अगर आप हमें दे रहे हो 499, तो उसका 50% अगर हम देखें तो अप्रॉक्सिमेटली 250 रुपीज आपको रिफंड किए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ कैश. एंड इन केस यू हैव गिवन बोथ ग्रुप्स, ठीक है, अगर हमने बोथ ग्रुप्स की मेंटरशिप ली है एंड आप बोथ ग्रुप में से कोई एक ग्रुप क्लियर होते हो, इन दैट केस आपको 30% की जो मेंटरशिप फीस है दैट इज अप्रॉक्सिमेटली रुपीज 150 आपको रिफंड कर दिया जाएगा. बट लेट्स से आपने दोनों ग्रुप का मेंटरशिप लिया एंड आप दोनों ग्रुप क्लियर कर देते हो, तो आपको 50% दैट इज 250 रुपीज रिफंड कर दिया जाएगा इन द फॉर्म ऑफ कैश. एंड यहाँ पे इफ यू सिक्योर अ रैंक देन द एंटायर अमाउंट वुड बी रिफंडेड बैक टू यू. तो अगर आपका रैंक आ जाता है इंटर लेवल और फाउंडेशन लेवल और फाइनल लेवल, तो जितना भी आपने हमें फीस दिया है दैट वुड अगेन बी रिफंडेड बैक टू यू. फाउंडेशन लेवल पे एक्चुअली रैंक नहीं होते, बट इंटर और फाइनल लेवल पे अगर आपने रैंक लाया तो जितना भी आपका फीस था ऑफ मेंटरशिप वो आपको पूरा रिफंड कर दिया जाएगा. प्लस एट द सेम टाइम आपके लिए बहुत सारे कैश प्राइजेस हम रखेंगे, चाहे स्टूडेंट्स जो क्लियर किए हो या रैंक लाए हो, उनके लिए हम कैश प्राइजेस एंड गुडीज डेफिनेटली रखने वाले. तो दिस इज आर वे ऑफ गिविंग यू अ स्मॉल टोकन ऑफ अप्रिसिएशन फॉर योर हार्डवर्क, जो आपने मेहनत करके जो आपने पास किया है उसके लिए. एंड अभी बात करते हैं कि सर हम किस तरह से ये मेंटरशिप में एनरोल करवा सकते हैं अपने आप को. तो दो तरीके, या तो सबसे पहले इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक रेजर पे का लिंक मिलेगा, आप वो लिंक पे क्लिक कर सकते हो एंड वहां पे जाके आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके वहां पे भी आपको एक रेजर पे का लिंक मिलेगा, वहां पे जाके अपना पेमेंट कर सकते हो. तो जैसे ही आप वो लिंक पे क्लिक करोगे ना रेजर पे का, तो यहाँ पे आपको दिखेगा दैट इज योर रेजर पे दिख रहा है एंड योर सीएमएससी, ये आपकी वेबसाइट एक ओपन हो जाएगी. ये आप डेस्कटॉप पे भी कर सकते हो पेमेंट, या फिर अपना मोबाइल का कोई ब्राउजर है उस पर भी आप पेमेंट कर सकते हो. तो यहाँ पे मेरा नाम आ गया एंड यहाँ पे लिखा हो गया योर सीएमएससी मेंटरशिप. यहाँ पे आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको कोई पेमेंट रिलेटेड इश्यूज है, तो यहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो. ये हमारा ईमेल आईडी और ये हमारा फोन नंबर है. उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये जो अमाउंट है वो ऑलरेडी प्रीफिल्ड होगा, यहाँ पे आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है और आपको चेंज कर भी नहीं पाओगे. 499 का जो अमाउंट है हमारा मेंटरशिप का वो यहाँ पे प्रीफिल्ड रहेगा. फिर यहाँ पर आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, फिर यहाँ पे आपको अपना फोन नंबर डालना है एंड यहाँ पे आपको अपना पूरा नेम डालना है अलोंग विथ सरनेम. एंड देन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है कि भाई किस लेवल के लिए आप मेंटरशिप ले रहे हो. क्या आप सीए फाउंडेशन के लिए ले रहे हो, या आप सीए इंटरमीडिएट ग्रुप वन के लिए ले रहे हो सिर्फ, या फिर आप सीए इंटरमीडिएट ग्रुप टू के लिए ले रहे हो सिर्फ, या फिर आप सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप्स के ले रहे हो. सिमिलरली सीए फाइनल का ग्रुप वन के लिए ले रहे हो, सीए फाइनल ग्रुप टू के लिए ले रहे हो, या फिर सीए फाइनल बोथ ग्रुप्स के लिए ले रहे हो, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे भरनी है. जैसे ही आप भरोगे तो आप पेमेंट कर पाओगे 499 रुपीज़ का. आप पेमेंट कर सकते हो थ्रू यूपीआई, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, सारे पेमेंट ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है. जैसे आप अपना पेमेंट कर दोगे तो आपको इस तरह से एक स्क्रीनशॉट एक स्क्रीन आ जाएगी जहाँ पे लिखा हुआ रहेगा रुपीज 499 पेमेंट सक्सेसफुल. एंड जो यहाँ पे आपने ईमेल आईडी दिया था अपना, ये ईमेल आईडी पे आपको दो चीज़ आ जाएगी. सबसे पहले जो आपको चीज़ आएगी दैट इज योर कन्फर्मेशन मैसेज कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली हो गया है कंप्लीट. एंड दूसरा आपको आ जाएगा एक फी रिसिप्ट आ जाएगी जो आप डाउनलोड करके रख सकते हो फॉर योर रेडी रेफरेंस. एंड आपको क्या करना है इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ का, या तो जो पेमेंट कन्फर्मेशन का मैसेज है या फिर ये फी रिसिप्ट है, इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लेना. ठीक है, कोई भी एक चीज़ का स्क्रीनशॉट लेके आपको क्या करना है, आपको ये वाले नंबर पे मुझे व्हाट्सएप करना है. ठीक है, तो वंस पेमेंट इज कंप्लीटेड शेयर द स्क्रीनशॉट ऑफ योर पेमेंट टू अस ऑन व्हाट्सएप ऑन द बिलो नंबर. तो ये नंबर है दैट इज 8779192442. ये वाले नंबर पे आपको वो जो स्क्रीनशॉट है पेमेंट का हमें उसको व्हाट्सएप कर देना है और उसके बाद आपकी मेंटरशिप जो जर्नी हम वहां से स्टार्ट कर देंगे. तो बस दोस्तों गेट योर सेल्फ एनरोल्ड एज सून एज पॉसिबल एंड ऐड दैट सीए टैग एज सून एज पॉसिबल टू गेट योर सेल्फ एनरोल्ड. तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. डेफिनेटली अपने आपको एनरोल करवा देना अगर आपको लग रहा है कि आपको जरूरत है. एंड डेफिनेटली हम अपने साइड से पूरी ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट क्वालिटी के चीज़ें डिलीवर करवाए एंड आपके सपोर्ट में रहे और आपके साथ यू नो जल्दी जल्दी आपको क्लियर करवाए एंड वो जो सीए का टैग है वो जल्दी से आपके नाम के आगे लगवा दे, बिकॉज जो आपकी जीत होगी उसमें हमारी जीत होगी. तो बस दोस्तों अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. थैंक यू. हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हर्ष.